कर्नाटक में जैन साधु की अपहरण के बाद हत्या की घटना से जैन समाज में जबरदस्त आक्रोश व्याप्त है। इसी को लेकर देवबन में जैन समाज द्वारा राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से जैन समाज ने मांग की है कि जैन साधु की निर्मम हत्या करने वाले आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए व देश भर के जैन साधुओं की सुरक्षा को लेकर जल्द ठोस नीति बनाई जाए। गुरुवार को श्री दिगंबर जैन पंचायत समिति देवबन द्वारा दिए गए ज्ञापन में कहा कि सरकार द्वारा देश भर में जैन साधुओं की सुरक्षा को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर ठोस नीति निर्धारित की जानी चाहिए। साथ ही तत्काल सभी जैन संतों, जैन उपाश्रय, मंदिर और मठों को सुरक्षा प्रदान की जाए। उन्होंने मांग की है कि सभी राज्यों में जैन समाज के विभिन्न समस्याओं का निवारण करने हेतु और समाज के उत्थान और विकास के लिए राज्य सरकारों द्वारा विशेष जैन विकास आयोग का निर्माण किया जाए। रिपोर्ट अंकित जैन। आज संपूर्ण दिगंबर जैन समाज उप जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय पर आया है, जिसका मुख्य विषय यह है कि कर्नाटक के बेलगांव में जो हमारे आचार्य श्री काम कुमार नंदी जी की अपहरण कर हत्या कर दी गई है, जैन समाज उसका जोर और शोर से विरोध करता है। साधु जो है समाज की दिशा होता है और साधु का खिलवाड़ यानी समाज का खिलवाड़, साधु की हत्या यानी समाज की हत्या। और यह निरंतर देखने में आ रहा है कि जैन साधुओं की जगह जगह पर कहीं एक्सीडेंट के माध्यम से, कहीं अपहरण करके अलग अलग तरीक़ों से हत्या करी जा रही है। हमारी जो है इस पूरी घटना का हम जोर शोर से विरोध करते हैं और सरकार से यही मांग करते हैं कि जैन साधुओं को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा मुहैया कराई जाए और जैन साधुओं की सुरक्षा के लिए अलग अलग तरीके की लाभदायक नीतियाँ बनाई जाए।